नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश में इन दिनों किसानों के हालात बद से बदतर हैं और विशेष तौर पर रीवा जिले की बात करें तो लगभग हर धान उपार्जन केंद्र में स्थितियां समस्याओं से पटी हुई दिखाई देती हैं। और त्योथर विधानसभा के किसानों के द्वारा अनवरत इस मुद्दे को लेकर के आमरण अनशन किया जा रहा है और जिसके बाद रीवा कलेक्टर के निर्देश पर त्योथर एसडीएम के द्वारा किसानों से मुलाकात कर लिखित तौर पर समाधान का आश्वासन दिया गया। आपको बता दें कि अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे और रोड पर चक्का जाम किए हुए गढ़ी बघवारी खरीदी केंद्र के किसानों के उग्र रूप को देखते हुए कलेक्टर रीवा के दिशा निर्देश एसडीएम त्योथर के आदेश पर नागरिक आपूर्ति भोपाल द्वारा हुए आदेश को लेकर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नायब तहसीलदार सतीश सोनी व थाना प्रभारी जनेह प्रदीप सिंह अपनी टीम के साथ अनशन स्थल नेतृत्वकर्ता अमित सिंह व जयप्रकाश सिंह उर्फ झल्लू सहित किसानों को लिखित में आश्वासन दस्तावेज देते हुए कहा कि दो दिन में नियुक्त की गई भोपाल की टीम खरीदी केंद्र की जाँच करने आएगी, सारी समस्याओं का निराकरण कर आप लोगों की धान की खरीदी की जाएगी। और इस विषय को देखते हुए समस्त अनशनकारी किसान चक्का जाम और अनशन तोड़ने का निर्णय लिए हैं। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं रीवा से हमारे रिपोर्टर अमन शुक्ला आर्यन की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। ये टोकन नहीं काटे तो हम कैसे क्या करें? सर ये हम आप 20 के बाद आए तो हमारी गलती है। हम 10 दिन से आपके समीप में और आज तक आप टोकन नहीं काट पाए तो हम कैसे आश्वस्त हैं? बहुत सारे लोग तो वही तो हमारी समस्या है ना। पूरे जिले में लगभग 8000 चार में आज वो रहा है और शासन ने जो प्रस्ताव हमने भेजा उस पर विचार करते हुए उनने वहाँ से जांच दल भी भेजा। संभवतः वो आज या कल, आज अगर नहीं आया है तो कल वो आ जाएगा। बिल्कुल, आप लोगों को पता चला होगा, नहीं चला तो मैं बता रहा हूँ। ये रीवा जिले के लिए उन्होंने दल बनाया है और इसको देख लें आप लोग। कलेक्टर साहब ने रिपोर्ट भेजी थी यहाँ से कि भाई यहाँ खरीदी नहीं हो पाई है ना, तो यहाँ के इसमें कोई अधिकारी नहीं है, सब बाहर बाहर के हैं। तो ये लोग यहाँ आएंगे और जांच करेंगे, देखेंगे। द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।